आज हम लोग बात करेंगे कुशीनगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जहां पर थाई मंदिर, थाईलैंड के बने हुए इस मंदिर के बारे में, जहां पर बुद्ध, महात्मा बुद्ध के साथ साथ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा की जाती है। एक अनिश्वरवाद जो महात्मा बुद्ध का सिद्धांत रहा है, उसी के साथ सनातन धर्म के त्रिदेव की पूजा कहीं और नहीं होती है। यहाँ दो संस्कृतियों के मेल का अनूठा संगम पिछले कई सालों से देखने को मिलता है। शायद इसी वजह से महात्मा बुद्ध हमारे लिए और भी ज़्यादा पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि उनके विचार सबको समाहित करने की बनी हुई है और वो सबको समाहित कर भी लेते हैं। अभी हम जिस मंदिर को देख रहे हैं, यह म्यांमार का मंदिर है। आप बच्चों के द्वारा गाए गए गीत लीजिए। थाई मंदिर सन 1994 में, यानी काफी जल्दी ही बनाया गया मंदिर है, जो थाई राजघराने के द्वारा कुशीनगर में बनाया गया। थाई एम्बेसी ही इसे संचालित कर रही है और यह अनोखा संगम है जहां पर सनातन संस्कृति और बौद्ध संस्कृति को एक साथ मिलाकर देखा गया है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी हैं और इस मंदिर का लोकार्पण थाई राजकुमारी के द्वारा किया गया था। तत्कालीन थाई राजकुमारी शिरीन धौरन ने इसका शिलान्यास किया था और उन्होंने इसे जनता के लिए खोला। इसमें बहुत सारी ऐसी भी संभावित चीज़ें हैं जो हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं। सन 1898 में पिपरहवा, जो कपिलवस्तु और सिद्धार्थ नगर के जगह पर खुदाई पर कुछ महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली थीं, उन्हें भी यहां पर सुरक्षित किया गया है। आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे यहां पर महात्मा बुद्ध से जुड़ी ही अवशेषें हैं जो आपको बरबस ही मोह लेंगे। इसके बाद पिछले संस्करण में हमने कुछ मंदिरों को छोड़ दिया था। यह है जापानीज बर्मीज मंदिर, जहां पर आप म्यांमार या वर्मा के स्थापत्य कला के द्वारा भगवान बुद्ध के बनाए हुए प्रतिमाओं को देख सकते हैं, जो स्पष्ट तौर पर हमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की संदेश प्रतिमाएं हमें अध्यात्म से जोड़ती जाती है। हर जगह स्कूली बच्चों का जो यहाँ पर हुजूम देखने को मिलता है, वह आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस मंदिर को देखने के बाद वहाँ पर आसपास की जगहों पर जो वहाँ पर घंटियाँ थीं उन्हें बजाया, हमने उन शिलालेखों को समझने की कोशिश की, हमने उस ऊंची ऊंची मीनारों को देखने का प्रयास किया जो वहाँ पर बनाई गई है। खास बात यह है कि इस बर्मीज मंदिर जो भी संरचनाएं हैं वो काफी यूनिक है। यह सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है जहां पर बौद्ध श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां पर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का शानदार नमूना देखने को मिलता है। यह जगह एक अष्टधातु की बनी हुई आठ मेटल्स या अष्टधातु की बनी हुई महात्मा बुद्ध की स्टैचू भी रखती है। जब हम यहाँ पर बाहर निकले तो कुछ बच्चों से बात किया जो काफी शर्मा रहे थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। हमने पिछले संस्करण में आपको बता रखा है कि हमने उन जगहों को भी अपनी यात्रा में शामिल किया जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद जो बची हुई राख थी उसे सुरक्षित करके एक स्तूप जैसी संरचना दे दी गई, वहाँ पर भी हम गए थे। और वहाँ पर तमाम ऐसे बौद्ध भिक्षु जो ध्यान की मुद्रा में लगातार महात्मा बुद्ध से हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी देखे जो महात्मा बुद्ध की इस पावन स्थली को, इस परिनिर्वाण स्थली तक
पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया था। आप जरूर जाएं और इसे देखें। ये एक ऐसी जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई और हमारे हजारों साल पुरानी जो संस्कृति रही है उसको देखने का हमें यहाँ पर अवसर मिल जाता है। Sattam Hai.